बीते दिनों टीकमगढ़ जिले में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हुई किसानों की फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। टीकमगढ़ जिले में प्राकृतिक आपदा के कहर ने किसानों को खून के आंसू रुला दिया है। बीते दिन अतिवृष्टि के साथ होने वाली ओलावृष्टि से किसानों के खेत में खड़ी सरसों, गेहूं, चना, मटर, मसूर आदि फसलें पूर्णतः बर्बाद हो गई है, जिससे चिंतित कांग्रेस पार्टी ने किसानों को नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाए जाने को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी वृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। मसूरी खराब हो गई, गेहूं भी डूब रहे, पानी भरे तो गेहूं भी जा रहा, डूब निकल रहा, लेकिन प्रशासन को जो है दिखाई नहीं दे रहा। यही के संबंध में ज्ञापन दे भी आए थे कि अधिकारी जो है सर्वे कराए। दादा कलेक्टर साहब आधा घंटे लेट आए से क्या समझा जाए? अरे यार प्रधानमंत्री रो रहे यार कि हमारी सिक्योरिटी में लैप्स होगा, तो जो कलेक्टर साहब आए वे बुला रहे थे, पुलिस नहीं आई थी, उन्हें पता है कि पुलिस नहीं थी, बिना हम ही खड़े बाहर है, जब पुलिस आई थी बाहर आए। मुख्यमंत्री ने कहते ही कलेक्टर जाना है, हमें नहीं देना पैसा, वो अपनी व्यवस्था करे अपने आप, चाहे जिला में से वसूल करे, चाहे लूट है, चाहे जिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।